एक बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकवाद पर चीन का दोहरा चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर बैन लगाने की मुहिम पर चीन ने ब्रेक लगाने की कोशिश की है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका की ओर से अजहर के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर चीन ने ब्रेक लगा दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने आतंक को लेकर अपना डबल स्टैंड दिखाया हो। इससे पहले आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को भी चीन ने रोका था और एक बार फिर से इस प्रस्ताव पर चीन ने रोक लगा दी है। हालांकि 14 देशों ने, भारत और अमेरिका सहित 14 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस कमांडर पर प्रतिबंध लगाने के लिए अड़ंगा लगा दिया है। चीन जो कि अक्सर आतंकवाद पर अंकुश लगाने की बात करता है, लेकिन जब इस दिशा में कोई सख्त कदम उठाने का वक्त आता है तो चीन पलटी मार लेता है। और परमाणु हथियारों के मामले में चीन अमेरिका से बहुत पीछे है, जबकि चीन की